मोहाली में सेक्टर 79 स्थित एक रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने वाले आरोपी को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र के पीपली बस अड्डे पर एसटीएफ करनाल यूनिट और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर बंटी बैस पर निशाना बनाकर फायरिंग की थी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही बंटी यहां से निकल चुका था, जिससे वह बाल बाल बच गया। बंटी को गायक सिद्धू मूसेवाला का करीबी बताया जा रहा है। वह मूसेवाला का मैनेजर भी रह चुका है। जानकारी के अनुसार लाडवा के मेहरा गांव के शार्प शूटर राजन की हत्या में वांटेड बदमाश राजस्थान के गैंगस्टर 21 वर्षीय फिरोज खान पुत्र रमजान निवासी नागौर को गिरफ्तार किया गया है। हमारे को सूचना मिली थी कि कोई क्रिमिनल है जिसने हमारी एसटीएफ की टीम पे फायरिंग की है। तो जैसे ही सूचना मिलती है हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एसटीएफ की टीम ने अपने बचाव में फायरिंग की और जिसमें ये घायल हुआ, तो इसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल में लाया गया। अब इसका यहाँ ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। क्या नाम है इसका? फिरोज खान नाम है।